लखनऊ का अगर कुछ मशहूर है तो सबसे ज्यादा है मुगलई जायका, और मुगलई जायके की अगर बात करें तो टुंडे कबाबी के बगैर ये जायका अधूरा है। इस वक्त हम खड़े हैं अमीनाबाद की मशहूर टुंडे कबाबी की ये दुकान पर। 90 दिनों के बाद यानी लॉकडाउन के बाद ये दुकान बंद थी और 90 दिनों बाद ये दुकान खुल पाई, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो सबसे मशहूर इनकी डिश है गलावटी कबाब, उसके लिए जो जो मांस का प्रयोग होता है यानी बीफ का, वो अब चूंकि मिलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अब उस जायके से लोग यहाँ पर उसका जायका नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी आपको नज़र आ रही है, और ये देखेंगे आप कि रस्सी के सहारे इसको रोका गया है कि जो कस्टमर्स हैं वो भीतर नहीं जा सकते, उनको बाहरी पैकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा ये सोशल डिस्टेंसिंग के सर्किल भी यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि 90 दिन के बाद लोगों को टुंडे कबाबी के कबाब खाने का मौका मिला है। हालांकि डिशेस मुगलई बहुत सारी बनती हैं यहाँ पर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मशहूर है यहाँ का टुंडे कबाब की अगर बात करें तो वो है यहाँ का गलावट कबाब। सर, जो गलावट कबाब बनाते थे जिसके लिए आप मशहूर हैं पूरी दुनिया में, वो गलावट कबाब अब यहाँ पर आप मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, लेकिन मटन का और चिकन का मिल रहा है। पहले मटन और ब्लैक बफेलो मिलता था, अब ब्लैक बफेलो नहीं है अभी फिलहाल, तो चालू होगा तो वो मिलेगा, फिर चिकन कम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर तो वही है आपका कबाब? जी जी खाने के लिए आते हैं। जी 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 तो वो कब से दे पाएंगे आप? अब देखिए जब से मिलने लगेगा माल, जब से फिर कस्टमर्स डिमांड तो कर रहे होंगे कबाब की। जी 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 क्या कह रहे हैं कस्टमर आपके पास आते तो क्या रिएक्शन है उनका? वो रिएक्शन तो है कि आप ब्लैक बफेलो को खिलाइए, तो हमने कहा अभी माल मिल नहीं रहा है, अभी दिक्कत है, जिस दिन मिलने लगेगा तो हम आपको खिलाएंगे, खिदमत में आपकी हाजिर हैं। सेल पे भी काफ़ी असर हो गया होगा? सेल पे अभी तो होटल खुला है, अभी तो देख रहे हैं मार्केट में भी सन्नाटा है, 8 बजे तो वैसे ही 8:30 बजे तक बंद हो जाता है। हम चिकन के जो कबाब है उसका भी कुछ नाम दिया, कोई बता रहा था कि आप चिकन गलावट का चिकन गलावट कबाब बनाए, कोई कहता कि मजबूरी के कबाब आप कह रहे हैं उसको? अरे नहीं, अब जब नहीं मिल रहा तो फिर क्या किया जाए? चिकन कबाब के नाम से बिक रहे हैं, मजबूरी के कबाब कह रहे हैं? नहीं नहीं, चिकन के कबाब के नाम से बिक रहे हैं, मजबूरी की नहीं। ये बताइए कि क्या उम्मीद आपको लग रही है, कब तक सेल जो है आपकी दुकान की? पहले बहुत भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि लोग अभी डरे हुए इसलिए से नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी एक तो बाहर का आदमी नहीं आ रहा है, दूसरे बिजनेस भी डाउन है सब, ऐसा लोगों के पास है नहीं ज़्यादा। जब रूटीन पे आ जाएगा, अब इंशाल्लाह खुल गया है और मार्केट खुल गया है, धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, पैसा आएगा मार्केट में तो फिर वैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। बाहर के कस्टमर आपके पास ज़्यादा आते हैं जो शहर के बाहर से? बाहर के भी आते हैं, यहाँ लोकल भी होते हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितनी जल्दी हो सके पूरी दुनिया से ये बवा डाले और सब सेहतयाब हों, तरक्की हो, मुल्क जो है हमारा खूब तरक्की हो और आपस में मोहब्बत हो, और है क्या दुनिया में, हर आदमी को ऊपर वाला हर काम बांटता नहीं है, जिससे चाहते हैं काम उसी से लेना चाहते हैं, और जब आदमी ईमानदारी से सच्चाई से करता है तो अल्लाह ताला जो है ये मेरा बंदा जो है अच्छे से काम करेगा इसको हम देंगे, और जो बंदा अच्छे से कोई काम नहीं करता तो उससे छीन के दूसरे को दे देते हैं। मोहम्मद उस्मान, शुक्रिया बहुत। तो ये उस्मान साहब जिनको आप सुन रहे थे, टुंडे कबाबी की मशहूर दुकान, लेकिन यहाँ पर बफेलो के ब्लैक बफेलो के जो कबाब जो मशहूर हैं टुंडे कबाबी के, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, लिहाजा चिकन के कबाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और फिर भी एक बार तस्वीर उसको दिखाना चाहेंगे कि देखेंगे आप किस तरीके से यहाँ पर दस्तरखान सजाया गया है और लोग आ भी रहे हैं, लेकिन वो जो तादाद होती थी आप भी देखेंगे कि ये जो कबाब हैं ये चिकन के कबाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सर्व किए जा रहे हैं, और ये कबाब इससे पहले यहाँ पर वो ब्लैक बफेलो के जो कबाब थे वो बहुत मशहूर थे। तो कुल मिलाकर के कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को बहुत ज़माने के बाद टुंडे का मुगलई कबाब जो जायका है वो यहाँ पर आज उसको चखने का मौका मिला, आज उसका स्वाद ले पा रहे हैं लोग। हालांकि भीड़ अभी कम है, लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, बाहर खाने से एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगी हुई भीड़ को देख के लगता है कि लोग अपने आप को लखनवी जायके से दूर नहीं रख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।